ओके अच्छा, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन जनरली उसके पास एंटी डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता. सो नाइट्रोजन कैनॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लस फाइव विद दोज एलिमेंट्स विच हैव ए वैलेंसी ऑफ वन और माइनस वन. बट अगर मान लीजिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कैन शो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, प्लस फोर एंड प्लस फाइव ऑल्सो. और जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक चीज, हर एक एंगल उनके बारे में हमें जानना होगा. सो वी विल बी डेडिकेटिंग दिस लेक्चर इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. अच्छा, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करते हैं, विच अमंग दीज एलिमेंट्स विल पॉजेस नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विच वन विल पॉजेस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, That depends upon which among these two elements is more electronegative. आपको पता है फॉर्म Cl, फ्लोरीन सबसे ज्यादा electronegative element होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन एंड सो ऑन. तो क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑक्सीजन के साथ होगा और जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो नाइट्रोजन के साथ होगा. तो नाइट्रोजन प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. बेस्ड ऑन दिस बिहेवियर वी विल बी स्टडिंग ईच ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन. तो पहला, जब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन हो तो जो ऑक्साइड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, विल हैव टू डू दिस. सपोज नाइट्रोजन है से वन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जल्दी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. ऑक्सीजन जनरली सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अदरवाइज ऑक्सीजन और किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा ये रेडली माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा. तो लेट मी राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू ओवर हियर. तो देखिए, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, जहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम वही जो हम छोटे क्लास में किए हैं. साइन को हटा दीजिए और जो ये सुपर स्क्रिप्ट है उनको आप सबस्क्रिप्ट बना दीजिए. ये वन यहां चला जाएगा, ये टू यहां पे, एंड द फॉर्मूला विल बी N2O. दिस गैस केमिकली इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड, OUS. प्लीज बेटा इस बात को भी याद में रखिए, वो जब कोई भी एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में या लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड बनाता है तो हमेशा OUS अस उसके नाम के साथ आएगा. इट विल बी नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड. और अगर यही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड के नाम के साथ एक नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा, क्या उसके हम बाद में आएंगे, तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड. अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है. देयर आर टू नाइट्रोजन, ये तीन बॉन्ड्स बनाता है और दोनों के पास एक एक लोन पेयर है. लेट मी नो द लोन पेयर, एक यहां पे है और एक लोन पेयर यहां पे है. नाउ अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो अपने बॉन्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब वो दो इलेक्ट्रॉन चाहे वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या नाम का है शेयर करे या फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर करे. इस केस में कोई एक नाइट्रोजन अपने इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में किसी एक पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा एंड दिस विल बी योर स्ट्रक्चर ऑफ N2O. अब यहां पे मीन्स आप इसको ये हटा दिए ताकि ये विजुअल हो, ये ऐसे दिखाते हैं और एनसीईआरटी में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से नहीं दिखाते हैं तो डायरेक्टली ऐसे दिखा देते हैं. तो यहां पे अगर आप देखिए तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी कोवेलेंसी आपकी थ्री है, ये जो नाइट्रोजन है इसकी कोवेलेंसी फोर है और ये जो बॉन्ड है ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. नाउ वी हैव टू चेक अबाउट द एसिडिक बिहेवियर ऑफ दिस, ये मतलब ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक है या बेसिक है, और दूसरा ये गैसियस है या फिर सॉलिड है, और तीसरा ये कलर्ड है या फिर कलरलेस है.
अगर मैं कलर की बात करूं तो आपको बेटा बस ये ध्यान में रखना है, देखिए ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन ये ले लिया दो इलेक्ट्रॉन और उसके पास खुद एक्स्ट्रा चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीन लोन पेयर होंगे और एक ये जो लिया आठ। तो अगर आपको कलर चेक करना है देन प्लीज मेरी ये बात मानिए, आप सारे नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूरे मॉलिक्यूल पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स को काउंट कीजिए, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, चार लोन पेयर। तो अगर नंबर ऑफ लोन पेयर पांच या पांच से ज्यादा हो लोन पेयर्स और अगर वो दस से कम हुआ तो ये मान के चलिएगा वो गैस हमेशा कलर्ड होगी। सो आप देख सकते हैं यहां पे जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स है वो पांच से कम है, वी हैव फोर लोन पेयर्स इन दिस एंटायर मॉलिक्यूल, सो इट्स अ कलरलेस, इट इज कलरलेस। अब ये गैस है या सॉलिड है या लिक्विड है इस बात का पता कैसे करेंगे, यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन थ्री तो वो जो भी स्पीशीज बनेगी दैट विल बी अ सॉलिड और लिक्विड, लेकिन अगर वो तीन या तीन से कम है तो इट विल बी अ गैस। सो इट इज उस हिसाब से देखा है तो ये गैस होगा। एंड नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू काउंट इज वेदर दिस ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड और अ बेसिक ऑक्साइड और अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो इस केस में आपको ये काउंट करना है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर नाइट्रोजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उससे कम है या उसके बराबर है, क्या कहिए कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका नंबर दिए गए एलिमेंट से कम है या उसके बराबर है तो वो गैस आपकी न्यूट्रल गैस होगी। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन का नंबर नंबर ऑफ नाइट्रोजन से ज्यादा होता तो वो गैस हमेशा एसिडिक होगी। तो आप यहां देख सकते हैं यहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एक है और नंबर ऑफ नाइट्रोजन दो है, सो दिस गैस विल बी न्यूट्रल इन नेचर। इस तरीके से आप गैस के फिजिकल प्रॉपर्टीज का पता लगा सकते हैं। तो तीन चीज है, पहले आपको कलर पता करना है, यू जस्ट गो एंड काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज फाइव और ग्रेटर देन फाइव देन दिस मॉलिक्यूल विल बी अ कलर्ड मॉलिक्यूल, अदरवाइज इट विल बी अ कलरलेस। Then you have to count the number of atoms in this molecule. If the number of atoms is greater than 3, then that molecule will be solid form. Otherwise, it will be a gaseous oxide. Or agar aapko acidic ya neutral count karna hai, then you will have to count the number of most electronegative element. Agar wo element ka number jo nitrogen ke number se kam ya uske barabar hai, to wo gas neutral hogi. Otherwise, wo gas aapka एसिडिक होगा, बिकॉज नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं। लेकिन मेटल के ऑक्साइड लाइक Na2O, Na2O को आप पानी में डालेंगे इट विल फॉर्म NaOH विच इज अ बेस, और नॉन मेटल का ऑक्साइड लाइक SO3 को आप पानी में डालते हैं तो आपको H2SO4 मिलेगा, या Cl2 गैस को आप पानी में डालते हैं तो HCl मिलेगा। तो वही बेसिक ट्रेंड है, उसी को हम इलाबरेट कर रहे हैं। Now, how this N2O is prepared? एक बार आपकी physical characteristics निकालने के बाद इसका preparation भी बहुत important है। Now, let's see how it can be prepared. देखिए, ammonium salts जितने भी होते हैं, ammonium salt को heat करिए या किसी base के साथ उसको react करिए, you will get ammonia always as the byproduct. But Only two ammonium salts are very much exceptional. पहला ammonium salt जो exceptional है वो है sodium ammonium nitrate. Ammonium nitrate को अगर आप heat करते हैं you will not get ammonia as the byproduct in this. Yeah, you will not get ammonia here. Here you will get N2O, the gas. ये जो gas हमारा N2O है ये आप यहां पे पाएंगे along with some water. I am not going to balance it. Okay, balancing ज्यादा
एक बात और मैं बता दूं आपको, बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जहां पे बैलेंसिंग इंपॉर्टेंस रखेगा वहां पे मैं बता दूंगा, बिकॉज वहां पे वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पर यूनिट वॉल्यूम इसके लिए मैं इसका कितना वॉल्यूम लूं, और जिसमें सिर्फ आपको ये पता करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, वहां पे बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट स्टिल इफ यू वांट टू गो फॉर द बैलेंसिंग, आप देख सकते हैं, आई होप सो इट विल बी बैलेंस, दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, आई हैव टू बैलेंस दिस फोर हाइड्रोजन टू एस टू एंड इट विल बी बैलेंस्ड, बट बैलेंसिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो ये तो हो गया N2O का बनाने की बात, लेकिन अब जब हम एक एक्सेप्शनल बात लेके चल रहे हैं तो विल टेक इट एज अ क्रेडिट पॉइंट, एक और अमोनियम सॉल्ट होता है अमोनियम डाइक्रोमेट या अमोनियम डाइक्रोमेट। इससे अगर आप हीट करते हैं तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि अमोनियम के वजह से दो नाइट्रोजन आ गया, तो यहां पे भी N2O मिलना चाहिए था, नहीं, लेकिन यहां पे आपको N2 गैस मिलती है, N2 गैस के बाद CR2O3 और H2O भी मिलता है। बट आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं ये एक्सेप्शनल बात कि किसी भी अमोनियम सॉल्ट को आप हीट करेंगे हमेशा आपको अमोनियम मिलेगा, एक्सेप्ट अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हीट करने पे आपको नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, और अमोनियम डाइक्रोमेट, जिसे हीट करने पे आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, दिस नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, विच इज यूज टू डिस्पर्स मॉब, जब दिस गैस इज यूज टू डिस्पर्स मॉब, तो ये लाफिंग गैस के रूप में, इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, ये आपने सुना होगा, इट इंड्यूसेस लाफ्टर एज सून एज इट इज बीइंग इनहेल्ड। तो ये तो हो गया N2O के बारे में बात। नाउ लेट्स मूव टू ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ऐसे ही आपको एक एक करके सारे ऑक्साइड्स के बारे में जानना है, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के लिए काम करें, तो नाइट्रोजन हमें +2 चाहिए, ऑक्सीजन 2- होता ही है, तो आप ये देख सकते हैं ये 2-2, अगर ये कर सकता है तो हम इसे काट देंगे एंड व्हाट द फॉर्मूला विल गेट NO। जब लोअर ऑक्सीडेशन वाला, जब N1+ को हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते थे तो N2+ को हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, दैट्स, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अब आप ये सोच रहे हो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो मैं किसके हिसाब से बॉन्ड बनाऊं? मैंने कहा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने बॉन्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, इट विल फॉर्म 2 बॉन्ड्स, इट विल हैव अ लोन पेयर और एक लोन इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट पे 5 होता है, ये एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हुआ और एक लोन इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, द लोन इलेक्ट्रॉन ऑन NO मेक्स इट पैरामैग्नेटिक। ये मैंने आपको बताया था कि कहीं भी लोन इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल जाए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर नहीं हो पाया है, इट विल इमीडिएटली इंपार्ट अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर टू दैट स्पीशीज। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, और आपने फिजिक्स में किया कि कोई भी चार्ज अगर क्लॉकवाइज, कोई भी चार्ज, रोटेटिंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, तो अगर इसका स्पिन कैंसल आउट नहीं हुआ, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, लेकिन क्योंकि इसके स्पिन जो है वो कैंसल आउट नहीं हो पा रही है, सो दिस लोन इलेक्ट्रॉन विल इम्पार्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर टू दिस मॉलिक्यूल। The lone electron on NO will impart paramagnetic behavior to this molecule. Paramagnetic behavior to this molecule. इमीडिएटली इसके ऊपर एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को इम्पार्ट करेगा। अब दूसरी बात यह है, अब ये पैरामैग्नेटिक हो गया, इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन है, उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लोन इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, इसे तुरंत ही एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसके साथ ये जाके बॉन्ड बना ले, एंड दैट्स व्हाई ऐसे स्पीशीज जिनके पास लोन इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर आप उन्हें सॉल्यूशन फेज में लेके जाएंगे या उन्हें आप पास पास ले आने की कोशिश करेंगे, दे विल टेंड टू फॉर्म डाइमर, दे विल डाइमराइज। डाइमराइज का मतलब क्या है, इस पॉइंट को प्लीज नोट कर लीजिएगा, फिर इससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट है ये, सपोज इफ आई हैव दिस NO, मान लीजिए ये एक NO है, इसका एक लोन पेयर मैं यहां दिखा दूं, यहां पर दिखा रहा हूं,
इसका मैं लोन इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड को, ऐसा एक और आया उसका ये लोन इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड को, ये जो एक एक लोन इलेक्ट्रॉन है जब ये पास पास आएंगे दे विल टेंड टू फॉर्म बॉन्ड एंड इट विल बिकम N2O2। सो NO इमीडिएटली डाइमराइजेस, या यू कह लीजिए द ऑड दिस ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल will dimerize in liquid solution, in solution form. ये तुरंत ही dimerize कर जाएगा। और I hope so the point is well taken। ये इन्हीं molecules के साथ नहीं, किसी भी molecule को उठाएंगे अगर उसके पास कहीं lone electron आता है तुरंत समझ लीजिएगा कि it is susceptible या it has a tendency to form dimer। चलिए अब ये तो हो गया बात, अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मॉलिक्यूल कलर, मॉलिक्यूल के पास कलर है या नहीं। एक लोन पेयर, दो तीन चार, तीन लोन पेयर है, पांच से कम है नंबर ऑफ लोन पेयर्स तो द मॉलिक्यूल विल बी कलरलेस। ओके, फिर दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नंबर ऑफ नाइट्रोजन दोनों बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन से ज्यादा नहीं है। तो आई टोल्ड यू जब तक ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा नहीं होगा गैस विल बी न्यूट्रल। एंड देन कम्स काउंट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स दो ही है क्योंकि ये तीन से ज्यादा नहीं है तो अगेन इट विल बी गैसियस। बट अगर जब ये डाइमराइज कर जाएगा N2O4 तो वो आप देख सकते हैं वहां पे N2O2 ये चार मॉलिक्यूल हो जाएगा, इट विल बी लिक्विड और इट कुड बी सॉलिडिफाइड ऑल्सो, इट विल एग्जिस्ट इन लिक्विड या सॉलिड बोथ दी फॉर्म्स। एंड आई होप सो दिस पॉइंट इज वेल टेकन। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि कलरलेस न्यूट्रल गैस होता है एंड इट टेंड्स टू फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन फॉर्म। नाउ वी आर गोइंग फॉर इट्स प्रिपरेशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, भले ही मैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बता रहा हूं बट ये जो रूल्स है ये एप्लीकेबल लगभग लगभग हर ऑक्साइड पे होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, ऑक्सीजन का नंबर कार्बन के बराबर है, इट विल बी अ न्यूट्रल गैस, इट विल बी अ न्यूट्रल ऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की आप बात करेंगे जहां पे ऑक्सीजन का नंबर कार्बन से ज्यादा है, इट विल बी अ एसिडिक ऑक्साइड। तो आप कैसे इस बात को पता करेंगे ऑक्साइड से कि वो न्यूट्रल है या एसिडिक है, जस्ट गो ऑन एंड सी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसके साथ वो ऑक्साइड बना रहा है उससे ऑक्सीजन ज्यादा है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन का नंबर उस पर्टिकुलर एलिमेंट से ज्यादा है तो वो गैस आपकी एसिडिक होगी, अगर वो उसके बराबर है दैट पर्टिकुलर नॉन मेटल तो वो गैस हमेशा आपका न्यूट्रल होगा। नाउ लेट्स कम टू द प्रिपरेशन ऑफ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से ये बनाया जा सकता है। एक जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि अगर हम NaNO2 लेते हैं इसे हम ट्रीट करते हैं FeSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो देखिए क्या होता है, याद रखिएगा जब भी H2SO4 आया है और कहीं कोई आयरन का सल्फेट है 99% केस में आपको आयरन का सल्फेट ही मिलेगा। यहां पे SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, आयरन के ऊपर 2 प्लस होता है, मींस आयरन इज एक्जिस्टिंग इन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और H2SO4 का काम क्या है कि कहीं भी अगर वो आयरन को प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाएगा तो तुरंत ही उसको प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा अपना सल्फेट देकर, तो तुरंत ही ये फॉर्म हो जाएगा Fe3+ एंड SO4 2-, Fe2+ will get converted to Fe3+ and इसका फॉर्मूला होगा 2 को इधर बुला लीजिए और 3 को इधर बुला दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा ये फेरस सल्फेट will get converted to फेरिक सल्फेट and then सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन करके NaHSO4 भी बना सकता है, Na2SO4 भी बना सकता है। तो आप ये आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आपके एनसीईआरटी में NaHSO4 लिखा हुआ है सो आई बी राइटिंग NaHSO4 एंड अलोंग विथ इट विल गिव सम वाटर एंड NO। आई एम नॉट गोइंग टू बैलेंस इट। तो एक तरीका तो ये है एज पर योर एनसीईआरटी कि अगर यहीं पे आप नाइट्रेट ले लेते तो वो ब्राउन रिंग टेस्ट हो जाता है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर आप सोडियम नाइट्राइड को फेरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ट्रीट करेंगे
तो एसिडिक वो जो एसिड है पर्टिकुलर H2SO4 दैट विल ऑक्सीडाइज दिस फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट thereby leading to some formation of sodium sulfate or bisulfate and giving nitric oxide as the gas. एक और तरीका है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का जो हम HNO3 में करेंगे. जनरली जो नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल मेटल्स मतलब बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर आपको पता हो तो ठीक है, अदरवाइज HNO3 में बताऊंगा. रिएक्टिविटी सीरीज में KNaCl, MgAl, ZnFeSc, PbCu, HgAg, हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं, मतलब दैट इज कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर है, कॉपर को अगर आप HNO3 के साथ रिएक्ट करिए एंड इट दैट HNO3 इज अ डाइल्यूट फॉर्म, तो इसके साथ आपको कॉपर नाइट्रेट मिलेगा और कुछ वाटर मिलेगा एंड आवर गैस NO. तो यहां से भी आप NO गैस को बना सकते हैं. अगर यही कॉपर को आप कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ करते तो वो NO2 बन जाता. और मतलब जो रिएक्टिव मेटल्स है हाइड्रोजन से ऊपर वाले लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये मेटल्स अगर आप उसको डाइल्यूट से करते हैं, डाइल्यूट HNO3 से कीजिए या कॉम HNO3 से, और हर केस में NO2 मिलेगा. लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने मेटल्स हैं, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, प्लैटिनम, जितने भी नोबल मेटल्स हैं, उनको अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे यू विल ऑलवेज गेट NO एज आवर प्रोडक्ट. सो दीज टू, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट ही मैंने आपसे बताया था कितना इंपॉर्टेंट है. ये सिर्फ ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूरा एंटायर ये लेक्चर ले लिया. वे विल कंटिन्यूइंग विद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 एंड +4 एंड +5 इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. प्लीज मेरे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही आपको बस ध्यान में रखना है, चीजों को याद रखना है तो आप भूलेंगे नहीं. ओके, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर द टाइम.